हेलो एंड वेलकम है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्लाजो पैंट की स्टिचिंग, जो कि कटिंग मैंने पहले बता दी थी तो इसकी स्टिचिंग बाकी थी, तो आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि समझ भी आए, और काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो डाला है तो प्लीज़ इसको ज़रूर वॉच कर लेना। तो चलिए, सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग ले ली है और इसके बाद आपको इसके पार्ट ले लेने हैं, बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट, और इनका मतलब जो आसन एरिया है उनको दोनों को लेना है और फिर स्टिच कर लेना है। दो सिलाई इसमें लगानी है आपको, जैसे नॉर्मल हम आसन स्टिच करते हैं वैसे करना है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो दो सिलाई आप लगाने के बाद इसको पक्का कर लेंगे, जैसे मैं इसमें लगाऊंगी तो ऐसे ही आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो देख लेते हैं कैसे हमने सिलाई लगाई। ये देखिए सिलाई लग चुकी है मेरी, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कैसा ये लग रहा है अब। और इसके बाद फिर आपको इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऊपर से इस पर सिलाई, सेफ्टी के लिए हमें ये सिलाई लगानी होती है। आप चाहें तो लगा लें, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, बट लगानी ज़रूरी होती है। तो इसके बाद मैं यहाँ से इसको हल्का सा फोल्ड करूँगी और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो दो लगा सकते हैं, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, तो दो सिलाई यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं लगा के आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा ली है, आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, जैसा भी आपका कपड़ा होगा उसी हिसाब से उसकी जो फिनिशिंग है वो आप लोगों को दिख जाएगी। इसके बाद मैंने ले लिया है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के साइड मैंने ये दोनों ही पार्ट्स में मतलब लगा लिया सिलाई। इसके बाद फ्रंट पार्ट लेना है और 3-3 इंच का गैप रखते हुए दोनों साइड्स में हमें प्लेट्स डालनी है, जैसे नॉर्मल हम प्लेट्स डालते हैं वही प्लेट्स हमें यहाँ पर लंबाई। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने जो है 4 इंच के करीब रखी है, तो आप 4 इंच ही रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी मुझे बेल्ट भी अटैच करनी है ना, तो बेल्ट का मार्जिन कट करते हुए मैंने यहाँ पे ये लगाई है। और इसके बाद इस तरीके से आप इसको मतलब आधा आधा इंच के करीब आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है दोनों साइड्स में। तो 1 इंच के करीब आपको यहाँ पर ये इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड्स में। फ्रंट पार्ट में ही लगानी है, बैक में नहीं लगानी है प्लाजो पैंट के में। तो ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके का कुछ इसका लुक आ रहा था और इसी तरीके से ये लगती हैं। बाकी कपड़े कपड़े का फ़र्क होता है, हर तरीके के कपड़े पे अलग तरीके से इसका लुक आता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट ले लेना है और बैक पार्ट ले लेना है, दोनों पार्ट आपको लेने हैं और उसके बाद उसको स्टिच कर लेना है। पॉकेट को देखते हुए करना है, आधा हमें पॉकेट पे जॉइंट करने पड़ेगा और उसके बाद फिर नीचे से इसको पकड़ते हुए इस तरीके से पूरा हमें नीचे तक इसको स्टिच कर देना है। और नीचे आपको जितना भी मार्जिन रखना है अपना खुला रखना है, या फिर आपको पूरा स्टिच करना है तो वो आप देख लीजिएगा जैसे भी आपको करना हो। तो यहाँ पे मैं आपको केवल दिखाने के लिए यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ, बाकी जब स्टिच करते हैं नॉर्मली तो मार्क की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बाकी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप आधा आधा इंच या फिर 1 इंच भी चाहें तो लगा सकते हैं। हर तरीके की अलग अलग तरीके की प्लाजो पैंट्स होती हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कपड़ा भी आप यूज़ करते हैं, जैसे खुला प्लाजो होता है या फिर प्लाजो पैंट होती है। एक तो होती है नॉर्मल आप खुली रखते हैं, या फिर एक होती है कि आप बिल्कुल टाइट फिटिंग वाली रखते हैं, तो ये आपके ऊपर है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दूंगी, और सिलाई लगाने के बाद नीचे जितना मुझे यहाँ पे ओपन रखना है तो उसको मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से करते हुए कर रही हूँ। तो अगर इसमें अच्छे से नहीं दिखेगा ना, तो दूसरे वाले पोंचे को जब मैं बनाऊँगी तो उसमें भी अच्छे से कोशिश करूँगी दिखाने का। बाकी इसमें आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच पे यहाँ पे खुला रखा है इसको, और इसके बाद इसको ऊपर की साइड में फोल्ड करते हुए और यहाँ पे एक साइड में पहले सिलाई लगानी है। पहले मैं एक ही साइड में लगा रही हूँ, पहले एक साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे। और इसका ओपन रखने वाला ये होता है कि आपको 1 इंच रखना है या फिर 1.5 इंच रखना है, क्योंकि कई लोग ज़्यादा रख लेते हैं, कई लोग कम रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको जितना भी रखना है ना उतना आप रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से सिलाई लगा ली है दोनों साइड्स में, और इतना ही मैंने हाफ हाफ इंच के करीब ही लिया है, ज़्यादा नहीं किया है, जैसा कि आप लोगों को आगे दिख जाएगी प्लाजो पैंट रेडी होने के बाद कैसी लग रही थी। और बटन वगैरह आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, 1 लगाएं 2 लगाएं तो आप देख लीजिएगा। और बाकी इसको इसी तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की साइड में पक्का कर दूंगी, और इसके बाद आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर लीजिएगा या फिर सिलाई लगा लें, वो भी अच्छा लगता है। और बटन लगने के बाद ये बहुत अच्छी लगती है, और फिटिंग वगैरह आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जितनी आपको फिटिंग चाहिए हो। तो ये देखिए मैंने इसको कर लिया है, तो आगे दूसरा वाला भी मैं ऐसे ही करूँगी और यहाँ पर 2 सिलाई में लगाऊँगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग,
और इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना इतना हल्का हल्का सा मार्जिन देते हुए ना यहाँ पे मैं दो सिलाई लगाऊंगी, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो आप ही इसी तरीके से लगाइएगा या फिर चाहें तो तुरपाई कर लीजिएगा, तुरपाई का भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट मुझे सिलाई वाला अच्छा लगता है तो मैंने सिलाई लगा ली है। जैसे भी आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और कटिंग इसकी मैंने पहले ही बताई हुई है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा वहाँ से कि कटिंग कैसे होती है। नॉर्मल भी बताई है और बिल्कुल इजी तरीके से भी कोशिश की बताऊं, और प्लाजो पैंट की कटिंग भी कोशिश की है। तो ये देखिए इसके बाद मैंने दूसरा वाला पार्ट ले लिया है, इसको मैं अब यहाँ तक मैंने हाफ इसको कर लिया था स्टिच। इसके बाद मैं थोड़ा सा बताने के उसमें मैंने किया था क्योंकि पहले वाले में अच्छे से नहीं बता पाई थी। तो ये देखिए आधा मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इसके बाद यहाँ तक स्टिच करने के बाद आपको 2 इंच के करीब यहाँ पे जितना मैंने कट लगाया है उसके ऊपर 2 इंच का आपको गैप रखना है, और यहाँ तक इसको इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फिर इसके बाद इसको आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है, इसको पहले ऊपर की साइड और फिर इसके बाद जिस तरीके से आपको दिख रहा है इसी तरीके से सेम कर लीजिएगा। तो ये देखिए पहले आपको ये दोनों पैटर्न्स लेने हैं, इसको नीचे की साइड रखना है, फिर इसके बाद इसको ऊपर की साइड रखना है। इसके बाद ये काफ़ी अच्छे से बन जाता है, और जितना भी आपको इसकी चौड़ाई रखनी है ना, इसके अंदर जो कट है वो कितना डालना है वो आपके ऊपर है पूरी तरीके से, क्योंकि किसी को कम किसी को ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा मैंने नॉर्मल लिया है, ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, आधे इंच के करीब मैंने यहाँ पर लिया था। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा अपने हिसाब से, उसके बाद आप उसी तरीके से इसको कर लीजिएगा। एंड दूसरा वाला भी फिर इसी तरीके से हमें स्टिच करना है। नाप लीजिएगा आप इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो क्या कि क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि छोटा बड़ा हो जाता है, तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप नाप लीजिएगा और उसके बाद फिर इसको भी इसी तरीके से स्टिच करना है, और फिर आप उल्टा करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से और फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। इसके बाद आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो से थोड़ी सी तो हेल्प मिली जाएगी, और सॉरी बीच बीच में बहुत हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई वीडियो एडिट कर रही हूँ। और प्लीज़ फुल वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको भी समझ में आए और मेरी मेहनत भी ख़राब नहीं हो। और इसके बाद मैंने इसको इसी तरीके से सेम स्टिच कर लिया है, 2 सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। तो मैंने यहाँ पर 2 सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ से भी इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा देनी है ताकि जब आप पहने तो इसका खुसने का या फिर फटने का डर ना रहे, कटने का डर ना रहे। तो आप देख लीजिएगा, और इसके बाद फिर यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है पूरा, और 2 सिलाई इसके अंदर भी आपको डाल देनी है। मार्क करते हुए केवल दिखाने के लिए मार्क लगाना पड़ता है, बाकी तो नॉर्मली वैसे ही हम लोग लगा देते हैं अंदाजे से। तो आप देख लीजिएगा अपना जिस हिसाब से आपको रखना हो, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसको कैसे मैंने स्टिच किया है वो भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए प्लाजो पैंट बनके रेडी हो गई है, और मैंने इसमें बटन भी लगा लिया है। तो सिलने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस तरीके का आ रहा था। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं।